मौका दिया जाए। तो टिकट वितरण किस आधार पर किया जाए इसे लेकर बातचीत हुई है इस बैठक में। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे संवाददाता मनीषा यादव जुड़ी हुई है हमारे साथ। मनीषा, अहम बैठक हरियाणा की जारी थी दिल्ली में, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आए? जिस तरह से चर्चाएं की जा रही थी कि टिकटों के वितरण को लेकर बातचीत हुई है, खास तौर से चर्चा हुई है इस बैठक में, और क्या कुछ खास हुआ है? जी देखिए, अभी तक कोई खुलकर सामने बात नहीं आई है कि क्या कुछ खास इस बैठक में हुआ है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में टिकटों के वितरण को लेकर जो है वो तमाम चर्चाएं हुई हैं। एक दौर की ये बैठक हो चुकी है, दूसरे दौर की जो बैठक है अभी फिलहाल चल रही है, जिसमें सुभाष बराला जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को अपने आप को प्रेजेंट करना है उसको लेकर चिंतन और मंथन चल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये है इस दौर में, इस विधानसभा इलेक्शन में, कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, क्योंकि कई जो दूसरे दलों के जो विधायक पहले जो रह चुके हैं, जो बड़े नेता रह चुके हैं, वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रही है। ऐसे में बीजेपी में पहले भी बड़े कद के जो नेता है वो भी मौजूद है, और दूसरी पार्टियों से जो नेता आ रहे हैं वो भी बड़े कद के हैं, वो भी हैं। तो ऐसे में पहले और दूसरे जो नए, जो पुराने नेता है और जो नए नेता हैं, उन दोनों को बैठाकर किस तरीके से सामंजस्य बैठाना है, ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है। और चुनौतियों की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव से उत्साहित तो बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में कमल खिला है, लेकिन अगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो विधानसभा में जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही जो मुख्यमंत्री है वो धन्यवाद आभार वाली जो रैली है वो निकालते हैं, उसके बाद उनकी ओर से तमाम तरीके की जो रैलियां हैं वो भी निकाली जा रही हैं, और आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है बीजेपी की वो शुरू हो चुकी है, और 75+ का जो नारा दिया जा रहा है उसकी ओर से कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन जिस उत्साह के साथ बीजेपी ने 75+ का नारा दिया है उस उत्साह को कितना कायम रख पाती है, तमाम तरीके की जो समीकरण है, चाहे जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, स्थानीय मुद्दों की बात हो, तमाम जो आकलन है उनका मूल्यांकन करना है, तमाम चीजों पर किस तरीके से जो नेता है वो सटीक बैठ सकते हैं, स्थानीय राजनीति किस तरीके से है, उस क्षेत्र की है, उस विधानसभा की है, तमाम तरीके की जो चीजें, बिल्कुल मनीषा, और तमाम तरह के मापदंड हैं, और हर पैमाने पर जो नेता खड़े उतरेंगे, जो भी एक स्टीरियोटाइप बनाया जाएगा उसमें जो भी नेता मापदंडों में फिट बैठेंगे उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी जो कश्मकश की स्थिति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो रही है वो ये है कि कई सारे ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जो सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी में टिकट की आस में, टिकट की उम्मीद में बैठे हुए हैं, लेकिन इस बार कई मौजूदा विधायक भी अन्य दलों से पार्टी में शामिल हुए हैं, तो टिकट किसे दिया जाए ये आलाकमान के लिए भी कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति होगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आलाकमान तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आलाकमान को जो राय है, जो मशवरा है वो निचले स्तर के जो नेता है और जो मीडिएटर हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है वो बिठाने की कोशिश की जा रही है, निचले स्तर से लेकर संगठन की अगर बात कर ली जाए बीजेपी के, संगठन को मजबूत करने की जो कोशिशें हैं वो पहले से ही नजर आती रही हैं, लेकिन अब संगठन की ओर से सलाह मशवरा लिया जा रहा है कि किसको अगर टिकट दिया जाए और किसका टिकट कट सकता है। लेकिन अगर वहीं पर नेताओं की अगर बात कर ली जाए वो अपनी दौड़ में जारी है, हरियाणा के अभी कई नेता हमें यहाँ पे मिले, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय है दिल्ली में ये बैठक चल रही है, यहाँ पर हरियाणा के कई जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं वो अपनी अपना जो जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो जो बायोडेटा है वो लेकर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं मनीषा, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।